In this module, we will be discussing the various financial ratios that are used to analyze or understand whether a company is doing good in terms of profitability. So profitability ratios is the mal ki firm ki financial profitability ko ya financial performance ko evaluate So if we look at the definition, probability, profitability ratio is a Class of financial matrix uh, in which we are trying to put that type of information or use that type of information that is going to help us in understanding the business ability to generate earnings. Ke kis -tak earnings ko generate karne mein hui hai during a certain time period by considering or by uh, taking into account the revenue it has generated, the various types of operating costs it has incurred. एंड द एसेट्स दैट आर गिवन इन द बैलेंस शीट एंड द शेयर होल्डर्स एक्विटी अगैन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर अनालिसिज यू आर गोइं टू मेक और वॉट एवर वैल्यूज यू आर गोइं टू फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ द वेरियस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वह सभी ओवर टाइम हैं सो यह टाइम पीरियड प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल ओवर टाइम आप इन सब चीज़ों के वैल्यूज लेके कंसिडर करते हैं डिफरेंट रेशोज़ को या कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट रेशोज़ को और वो आपको डिफरेंट एस्पेक्ट से किसी फर्म के प्रोफिटबलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सो दैट दैट इज़ वाई वी कंसिडर दीज रेशज वेरी इंपॉर्टेंट रेशोज़ बिकॉज़ इसकी बेसिस के ऊपर इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है इसकी बेसिस के ऊपर आपके जो प्लानर्स uh, हैं या पॉलिसी मेकरज़ हैं वो डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सी चीज़ों को ठीक करना है कौन सी चीज़ें दुरुस्त में जा रही हैं कौन सी चीज़ें जो हैं वो करेक्ट होने के लिए ज़रूरी हैं किधर आप अंडर परफॉर्म करें किधर आप अच्छा परफॉर्म करें सो so, ये सारी की सारी जो डिसीजन मेकिंग है इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से भी इंटरनली एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों की तरह के लिए ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं बोथ इंटरनल लोगों के लिए डिसीशन मेकर के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी जो तीन कॉमनली इस्तेमाल होने वाले प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं दे इंक्लूड रिटर्न ऑन सेल्स व्हिच इज एब्रीवियटेड एज आरओएस. देन वी हैव कॉट द रिटर्न ऑन एसेट्स एंड देन वी हैव गॉट द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशो व्हिच विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दर ऑल प्रोफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी एंड दैट इज गिवन बाई द टर्म ऑन एक्विटी एंड इट इज एब्रीविएटेड एज आर सो हम तीन तरह की फाइनेंशियल रेशो से किसी भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं और उसमें आर ओ एस आर ओ ए और आर ओ ई सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती हैं ना द क्वेश्चन है राइजेज़ वॉट इज़ मेन्ड बाई आर ओ एस सो हम इन तीनों प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ को वन बाई वन डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमें बताती क्या है और इनको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं और जब आपके पास कोई भी वैल्यू आ गई है तो आप उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे वो हमें बता क्या रही है सो so, जब हम रिटर्न ऑन सेल्स की रेशो को देखते हैं तो इट इज़ बेसिकली द रेशो विच इज़ यूज टू इवेल्युएट कंपनीज़ ऑपरेशनल एफिशेंसी कि वो अपने ऑपरेशंस को कितनी अच्छी तरीके से कितने स्मार्टली परफॉर्म कर रही है दिस दिस मैग्योर ऑफ रिटर्न ऑन सेल्स इट प्रोवाइड्स सम द अंडरस्टैंडिंग इन टू हाउ मच प्रॉफिट इज बींग प्रोड्यूस्ड पर डॉलर ऑफ सेल्स एक यूनिट आपने जो एक डॉलर की आपने सेल किया तो उससे आपने प्रॉफिट कितना जनरेट किया आपको आर ये कैलकुलेट करके देता है इसलिए ये बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए एन इंक्रीजिंग आर इंडिकेट्स दैट द कंपनी इज़ ग्रोइंग मोर एफिशिएंटली वाइल देर मे भी आज पॉसिबिलिटी कि आपकी आर ओ एस इंक्रीज करने की बजाय अगर वो इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है कि आप बहुत एफिशियंटली अपनी कंपनी को ग्रो करें और अगर डिक्रीज़ कर फॉल देखने को मिल रहा है आपके आर के वैल्यू में कि पिछली दफ़ा वो आठ परसेंट था अभी वो साढ़े सात या छः परसेंट हो गया है तो इसका मतलब है कि आपके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए जहाँ आपको आर डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है तो ये ओवरऑल उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आर बहुत मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है किसी भी फर्म की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की कॉन्सेप्ट में और आर की कॉन्सेप्ट में देर आर स्लाइट डिफरेंसेस तो वन वी वॉन्ट टू कैलकुलेट और ट्राई टू अंडरस्टैंड के आर कैलकुलेट कैसे होगी तो उसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द फॉर्मूला विच इज़ यूज टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन सेल्स तो जैसे हम सेल्स की बात करें इसका मतलब है कि हम डी uh, नामिनेटर में नेट सेल्स को रखने जा रहे हैं और न्यूमरेटर में आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को रखना है सो सोफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे हम नेट सेल से तो आपके पास आर ओ एस की या रिटर्न ऑन सेल की वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू हमें क्या बताती है हम अभी इसको डिस्कस करते हैं वेन वी लुक एट द टर्म गिवन इन द न्यूमरेटर एज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्या इट इज़ बेसिकली अर्निंग्स बिफोर इनकम एंड टैक्स सो हम जितना भी आपने Uh, अभी uh, कुछ भी अर्निंग्स नहीं दिए आपने हमने इसको डिस्कस किया था इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको आप ई भी बोल सकते हैं और डिनोमिनेटर के लिए हमने नेट सेल्स को कंसिडर करना है और नेट सेल्स इज बेसिकली द सम ऑफ अ कंपनीज ग्रॉस सेल्स माइनस इट्स रिटर्न अलाउंसेस एंड डिस्काउंट सो इफ देर आर एनी सॉर्ट्स ऑफ अलाउंसेज दैट आर दैट हैव बीन गिवन और देर आर सम सॉर्ट ऑफ रिटर्न दैट आर गिवन टू द कंसर्न uh, पार्टीज उन सब चीज़ों को आप माइनस करेंगे ग्रॉस सेल्स में से आपके पास नेट सेल्स आ जाएंगी और आप उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे सो वेन वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टर्स और द क्रेडिटर्स एंड द अदर डेट होल्डर्स ऑलवेज रिलाई ऑन द एफिशेंसी रेशो जैसे अभी हमने आपको बताया कि रिटर्न ऑन सेल्स आपकी एफिशेंसी कितना अफिशियंटली आप अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं या उसकी एफिशेंसी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या एफिशिएंसी उसकी बढ़ रही है कंपनी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रही है उसकी बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं रिटर्न ऑन सेल्स की वैल्यू से सो so, जब इन्वेस्टर या क्रेडिटर ने आपको सू आपको कर्जा देना है या इन्वेस्टर ने आपके साथ इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो जो अहम एस्पेक्ट्स को कंसिडर करता है इन्वेस्टमेंट आपके साथ करे ना करे या क्रेडिटर ने आपको आपको क्रेडिट देनी है या बैंक्स आपको आपके साथ कोई आपको लोन्स देने जा रहे हैं तो उनमें जो अहम बातें वो कंसिडर करते हैं उनमें आर ओ एस एक अहम फाइनेंशियल रेशो है विच इज़ कंसिडर्ड बाई दीज पार्टीज एंड फॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेटेन द वैल्यूज ऑफ रिटर्न ऑन सेल्स बिकॉज दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल एफिशेंसी ऑफ द कंपनी सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर ओ एस एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपकी कैसी जा रही है या प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में आप कैसा बिहेव कर रहे हैं या आपकी कंपनी एफिशेंसी एफिशेंट है या नहीं है उसके बारे में आपको अंदाज़ा दे रही है ये इसके साथ ही में द वैल्यू ऑफ़ आर ओ एस कैन बी यूज फॉर द सेक ऑफ कंपेरिजन कि आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि पिछले वक्त में अभी आ, या इसके वैल्यूज़ के ऊपर प्रोजेक्शन लगा के आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं कि ओवरऑल द

में से कमाए हैं और उसने थर्टी थाउजेंड डॉलर कॉस्ट के लिए इनकर करें हैं तो अगैन वी आर गोइंग टू टे डिड ट्वेंटी थाउजेंड बाय फिफ्टी थाउजेंड एंड दैट वुड गिव यू द रेशो ऑफ फोर्टी परसेंट एंड दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑन सेल्स दैट इट इज़ इन दिस एग्जाम्पल इट हैज़ टर्न आउट टू बी फोर्टी परसेंट